दिवसीय जो है वो चंबा और भरमौर का दौरा है, और जितने भी हमारे विकासात्मक कार्य सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में चलाए जा रहे हैं, उनकी गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए और समय पर वो कार्य पूरे हो, ये हमारी वचनबद्धता है, सरकार की वचनबद्धता है। और इसीलिए हम हर इलाके में जितने भी हमारे काम चल रहे हैं, चाहे वो PMJSY 3 का है, चाहे 1 का है, चाहे NABARD के माध्यम से कार्य हो रहे हैं, कई हमारे बिल्डिंग्स के निर्माण कार्य हो रहे हैं, उनकी समय के ऊपर, समय अवधि के ऊपर कार्य हो, इसके लिए हमने ये फैसला किया है कि मैं हर क्षेत्र का जाकर बड़ा करूँगा और वहाँ पे मौके पर जाकर जो कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण किया जाएगा। इसी संदर्भ में मेरा 2 दिवसीय जो है वो चंबा भरमौर का दौरा है, वहाँ पे हम एक विभागीय बैठक भी करेंगे और सारे जो रिव्यू कार्य चल रहे हैं उसको वहाँ पे किया जाएगा। जहाँ तक हमारे नूरपुर सर्कल की बात है, तो हमारा PWD सर्कल है जिसमें हमारे 4-5 हल्के जो है वो निचले कांगड़े के आते हैं, इसमें अभी वर्तमान में करीबन 33 सड़कों पर जो हमारा विधायक प्राथमिकता होती है NABARD के माध्यम से, इन जो है इस पे कार्य जो है वो चला हुआ है, RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से इस पे कार्य चला हुआ है। और वैसे ही आपके प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से जो तीसरा चरण है, इसमें करीबन 33 सड़कों के ऊपर कार्य चला हुआ है, इसमें हमने एक नई टेक्नोलॉजी भी हम लेकर आए हैं, FDR टेक्नोलॉजी, ये भी जो है 33 सड़कों में से कई सड़कों के ऊपर इसके ऊपर कार्य चला हुआ है, जिसमें हम जो सड़क की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए और खास करके पर्यावरण का ख्याल रखने के लिए जो है उसी मटेरियल को खोद कर उसमें सीमेंट की पल्वराइजेशन कर उसी मटेरियल को वापस जो है इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आपके रिसोर्सेज की भी जो है वो बचत हो, पैसे की भी बचत हो और एनवायरनमेंट को भी उसका कम नुकसान हो, इस तरीके से हम इसके ऊपर प्रयास कर रहे हैं। और वैसे ही हमारे 3 ब्रिजेस जो है इसमें नए ब्रिजेस, ये भी सॉरी 5 नए ब्रिजेस जो है वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण में जो सड़कें अप्रूव हुई है उसमें जगह जगह पे जहाँ पे ये लगने हैं, ये जो है इसका कार्य भी चला है। अभी हाल ही में इसकी सैंक्शन जो है पूरे प्रदेश के लिए करीबन 70 करोड़ रुपए केवल ब्रिजेस के लिए हमको मिली है, पूरे प्रदेश में PMJSY के तीसरे चरण में जो सड़कें अपग्रेड हो रही है उसमें जो बीच में ब्रिजेस बनने हैं उसके लिए 70 करोड़ मिले हैं, और उसमें हमको ये जो हमारा ये वाला सर्कल है नूरपुर का, उसमें आपके 5 ब्रिजेस जो है इसपे ये है, और एक जो है CRF का हमारा कार्य यहाँ पे चला हुआ है। वैसे अगर हम नूरपुर डिवीजन की बात करें, जो हमारा नूरपुर का विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर भी जो है NABARD का एक सड़क का कार्य चला हुआ है 1 करोड़ के माध्यम से, और प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण में 6.5 करोड़ रुपए की लागत से उसमें कार्य एक सड़क का चला हुआ है, और कई हमारे और चीज़ें हैं, ब्रिजेस है, बिल्डिंग्स है, कुल मिलाकर 28 करोड़ रुपए के कार्य वर्तमान में, 28.5 करोड़ के कार्य वर्तमान में नूरपुर जिला के, नूरपुर डिस्ट्रिक्ट आपके नूरपुर डिवीजन के अंदर जो है अभी कार्यरत है। और अभी हमारा एक जो नया, मैंने कल भी मंडी में भी इसके बारे में बात करी है कि हमको लगातार हम जो हमारा केंद्र सरकार है उनके साथ भी हम तालमेल में पूरा काम करने में विश्वास रखते हैं। अभी हाल ही में हमारे जो एक उच्च अधिकारी है, पूर्व में चीफ सेक्रेटरी रहे हैं राम सुहाग जी, उन्होंने जो है वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में चर्चा करी है दिल्ली में, और हमारा जो प्रधानमंत्री सड़क योजना का 4th चरण जिसकी अभी घोषणा अभी हमारे बजट के अंदर जो अभी केंद्र का बजट आया है उसमें करवाई गई है, और उसमें हमने ये प्रस्ताव रखा था जो स्वीकृत हो चुका है कि हमारी प्रधानमंत्री सड़क योजना के पहले चरण में जो कार्य छूट गए थे, जिनके कार्य पूरे नहीं हो पाए थे और उसकी लायबिलिटी प्रदेश सरकार के ऊपर पड़ रही थी,
करीबन 900 किलोमीटर ऐसी सड़कें हैं प्रदेश के अंदर, उसको प्रधानमंत्री सड़क योजना के चौथे चरण में जोड़ा जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत, प्रदेश के लिए मैं समझता हूँ कि वित्तीय रूप से भी और विकासात्मक रूप से भी एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। इसका कार्य जल्द बनाया जाएगा और उसके साथ साथ जो हमारा 2011 का सेंसस हुआ है, जो आखिरी सेंसस हुआ था पॉपुलेशन ऑफ आपके ग्रामीण क्षेत्र का, विलेजेस का, उसके हिसाब से जो 100 और 200 की आबादी वाले गांव हैं जो अभी भी सड़क मार्ग से छूटे हुए हैं, उनको जोड़ने की प्रक्रिया अब इस चौथे चरण के अंदर शुरू करवाई जा रही है। मैंने अभी इसकी बैठक पहले ही विभाग के साथ शिमला में कर ली है, इसकी हमने पूरी रूपरेखा बनाई है और हमें विश्वास है कि जैसे हमें करीबन 2700 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण में मिले हैं, वैसे ही करीबन करीबन 2500 से 3000 किलोमीटर हमें जो है वो इसमें चौथे चरण में भी प्रदेश को मिलेंगे। अभी इसकी अभी फाइनल वो नहीं आई है, मगर जो प्रस्तावित है वो बातें मैं आपके सामने कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश, 94-95% जो है ग्रामीण क्षेत्र में हमारे लोग रहते हैं, और सड़कों की गुणवत्ता को बनाए रखना और सड़कों को कनेक्टिविटी बनाए रखना ये हमारी प्राथमिकता है। इसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं और क्वालिटी सड़क बने इसके लिए जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल विंग है हमारे डिपार्टमेंट का, उसको भी हमने मजबूत किया है। हमने उनको आदेश दिया है कि जगह जगह जाकर रैंडम सैम्पलिंग होनी चाहिए प्रदेश के अंदर, और कितना उसमें बिटुमन हो रहा है, कितना उसमें कॉन्क्रीट लग रहा है, कितना उसमें और जो है क्वालिटी आपकी जो विड्थ है उसकी डेंसिटी है रोड की, वो मेंटेन रहे, और उसको लैब्स में भेजा जा रहा है ताकि जो इसमें कोई भी इस तरीके की हेरा फेरी ना हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। कहीं पर भी ऐसी कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है तो हमने साफ उसमें कह दिया है कि उसमें कोई भी कोताही सरकार की ओर से, विभाग की ओर से नहीं बरताई जाएगी। जहाँ पर भी एक वार्निंग ठेकेदार को दी जाएगी, अगर नहीं होगा तो ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद चाहे वो हाईकोर्ट जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, हमको लेना देना नहीं है। हम क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इस पे हम पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। बाकी अभी थोड़ा सा आपदा का भी कुछ कुछ जगहों पे फ्लैश फ्लड्स आने की भी परिस्थिति बन रही है। अभी मैं आज ही सुबह पढ़ रहा था, हमारे मणिकरण घाटी में जो है कसोल में बड़ा नुकसान वहाँ पर हुआ है। वैसे ही कुछ दिन पहले हमारे पतलीकुल इलाके में, मनाली में, वहाँ पर भी नुकसान हुआ है, उसका भी हम जायज़ा ले रहे हैं। मैं लगातार विभाग के साथ हम चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पे मशीनरी की डिप्लॉयमेंट्स करनी है, कोई JCBs की डिप्लॉयमेंट्स करनी है, पोकलेट मशीन्स की डिप्लॉयमेंट करनी है, हर तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी अगर इस तरीके की परिस्थिति बनती है प्रदेश के अंदर तो उसको हम निपटने के लिए पूरा प्रयास करें। कुछ हमारे मसले जो है वो NHAI के साथ भी है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि बहुत लंबा एक स्ट्रेच आपका शिमला, मटौर और पठानकोट, मंडी, और वैसे ही आपका जो है वो कीरतपुर मनाली और कीरतपुर से नेव चौक जो है वो 4 लेन के अंदर आ चुका है। इसमें भी लगातार, हालांकि ये केंद्र की एजेंसी है NHAI जो उसका कार्य कर रही है, मगर क्योंकि हमारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, हमारे प्रदेश के हित इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए जगह जगह पर जहाँ पर भी कोई ऐसी परेशानियाँ, चाहे वो मुआवजे से संबंधित है, चाहे वो जो नुकसान वहाँ पे लोगों को हो रहा है कई जगहों पे, क्योंकि जो कटिंग हो रही है उसकी वजह से कई लोगों के घरों का नुकसान हो रहा है, कईयों के बगीचों का नुकसान हो रहा है, कईयों का, और वहाँ पे हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका नुकसान हो रहा है, तो इस विषय को भी हम लगातार जो है वो केंद्रीय मंत्रियों से उठा रहे हैं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी के साथ हमारा एक दिवसीय सेमिनार हुआ दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के साथ, और हमने पूरे मजबूती से हिमाचल के हितों को उसमें उठाने का प्रस्ताव रखा। और आपका जो नदौन वाला सेक्शन है, हमीरपुर से नदौन तक और नदौन से थोड़ा आगे तक जो बीच का ये सेक्शन है, इसको अभी भी इन्होंने 2 लेन रखा है। हालांकि पूरा प्रस्तावित जो शिमला से मटौर तक है ये 4 लेन है, मगर बीच का सेक्शन जो है ये 2 लेन है। तो इस विषय को भी मुख्यमंत्री जी ने भी और हमने भी जो है वो केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा कि इस पूरे सेक्शन को जो है वो 4 लेन के अंदर तब्दील किया जाना चाहिए, ताकि जो आपकी
गाड़ी की जो एक स्पीड लिमिट तय की गई है 60 किलोमीटर है या 70 किलोमीटर है, वो उसमें कोई भी दिक्कत इस इलाके इस सेक्शन में ना पड़े, तो इस विषय पे भी उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने भी बात करी है और इसको भी हम टेकअप करने का प्रयास कर रहे हैं। और वैसे ही आपका जो पद्दर से लेकर मंडी के अंदर, पद्दर से मंडी तक का जो सेक्शन है उसको भी 4 लेन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये चर्चा मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हालांकि हमारे विभाग से संबंधित नहीं है, मगर क्योंकि सड़कों का मसला है इसलिए लगातार इनको उठाना हमारा दायित्व बनता है। और इसके लिए जाए हमारे NHAI के जो कोई PD है, इनके RO है, इनके साथ भी हम लगातार चर्चा करते रहते हैं ताकि कोई भी ऐसी सड़कों की जो समस्याएं हमारे लोग झेल रहे हैं, कई जगहों पे फुट ओवर ब्रिजेस बनने हैं, कई जगहों पे जो है वो अंडर पासिस बनने हैं, वो चीज़ें देखना भी बहुत आवश्यक है ताकि उसकी कनेक्टिविटी में कोई फर्क ना पड़े। बहुत सी जगहों में जहाँ पर 4 लेन का कार्य चला हुआ है, जो हमारी पुरानी सड़कें उस इलाके से PWD की जाती है, कई सालों की बनी हुई है, उसका भी डैमेज हुआ है, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, उसके लिए भी हमने अलग से प्रस्ताव जो है वो केंद्र सरकार को रखा है कि जहाँ जहाँ पर भी इस तरीके की डैमेजेस हमारी सड़कों का, PWD की सड़क का हुआ है, उसका डिपॉजिट या तो NHAI खुद करे उसको, अगर उन्होंने नहीं करना है तो वो हमारे डिवीजन को, कंसर्न डिवीजन को उसका डिपॉजिट दे ताकि हमारी सड़कों की जो गुणवत्ता है उसको हम इम्प्रूव कर सकें। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम पूरी मजबूती से हर तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति थोड़ी सी एक संकट भरी भी है, मगर फिर भी सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और पूरी मजबूती से कई मजबूत कदम भी उठाए हैं, मजबूती के साथ साथ कई कड़वे कदम भी उठाए हैं और प्रदेश हित में उठाए हैं। अभी बिजली की बात करी है, उसमें कुछ वर्गों के लिए सब्सिडी बंद करी गई है जिसकी प्रदेश के लोगों ने भी सराहना करी है। अब जो हमारे गैजेटेड ए क्लास गैजेटेड ऑफिसर्स है या क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर्स है, हमारे मुख्यमंत्री है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, MLAs है, उनको भी ये सब्सिडी दी जा रही थी, तो ये औचित्य भरा डिसीजन नहीं था, इसलिए उसको वापस लेने का फैसला लिया गया है। जो हमारे इसमें एक परिवार में एक राशन कार्ड पर एक ही मीटर देने का फैसला सरकार ने लिया है, उसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। बाकी और भी इस तरीके की कार्य हम प्रदेश के अंदर करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हर तरीके से जो जो भी योजनाएं सरकार की है उसका लाभ प्रदेश के लोगों को मिले, मगर उसके साथ साथ जो प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति है उसको कैसे बेहतर किया जाए इसके ऊपर भी हमें चिंतन भी करना है, मंथन भी करना है, विचार भी करना है और इस पे मजबूत और निर्णायक कदम भी उठाने की आवश्यकता है।